हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज रमन एंड यू आर वाचिंग सोलर फैक्ट्स। सो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू रन सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम विदाउट ग्रिड। काफी आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि ऑन ग्रिड सिस्टम को बिना ग्रिड के हेल्प से कैसे चलाया जा सकता है। सो यस, इट इज पॉसिबल कि आप एक ऑन ग्रिड सिस्टम को विदाउट ग्रिड भी चला सकते हैं, बट उसके कुछ कंडीशंस हैं। अगर हम वो कंडीशंस को फुलफिल कर लेते हैं तो डेफिनेटली एक ऑन ग्रिड सिस्टम को बिना ग्रिड के सपोर्ट से भी चलाया जा सकता है। सो आज का हमारा यही टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैंने काफ़ी चीज़ें इस पर पढ़ी हैं कि कैसे करा जा सकता है, काफ़ी लोगों से मैंने डिस्कस भी किया है, काफ़ी एक्सपर्ट से मेरी बात हुई है और बहुत सारे ऑटोमेशन वाली कंपनीज हैं जिनसे मैंने डिस्कस करके ये चीज़ें निकाली हुई हैं कि एक ऑन ग्रिड सिस्टम को अगर ग्रिड की अवेलेबिलिटी ना हो तो कैसे चलाया जा सकता है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत सारे मेरे कस्टमर्स भी मेरे से पूछते हैं, बहुत सारे लोग मेरे से इस तरीके के इंक्वायरी भी करते हैं कि सर ऑन ग्रिड सिस्टम को ग्रिड के बिना चलाने का क्या पॉसिबिलिटी है। तो सम टाइम्स होता है कि आप डीजी की रेफरेंस से चलाइए, आप डीजी पीवी सिंक करके चलाइए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि डीजी भी काफी कॉस्टली पड़ने लगता है सिस्टम में। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर कोई ऑफ ग्रिड लगा के चला दें या हाइब्रिड सिस्टम लगाएं, क्या लगाएं, कैसे कर सकते हैं, ग्रिड की अवेलेबिलिटी नहीं है, डीजल जनरेटर भी लगाना नहीं चाहता हूं, बट मैं ऑन ग्रिड सिस्टम चलाना चाहता हूं तो क्या पॉसिबिलिटी है। तो वही आज का हमारा टॉपिक है कि हम बिना ग्रिड के कैसे एक ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर को चलाया जा सकता है, कैसे एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को चलाया जा सकता है, उसको देख लेते हैं। सो देखिए, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को कैसे चलाएंगे, तो यहाँ पे देखिए, आप अगर देख पा रहे हो यहाँ पे जो डिजाइन है, यहाँ पे दो सिस्टम है। दिस इज एन ऑफ ग्रिड सिस्टम, ये मेरा ऑफ ग्रिड का सिस्टम है और ये मेरा है ऑन ग्रिड सिस्टम। दिस इज माई ऑन ग्रिड सिस्टम। यहाँ पे देखिए मैंने किया क्या है, पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझा देता हूँ किया क्या है। कि देखिए, ऑन ग्रिड सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, जब वो चलता है तो क्या होता है, उसको एक रेफरेंस चाहिए होता है। बेसिकली हम ऑन ग्रिड क्यों बोलते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आता है तो हमारा जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर होता है, दिस इज माय ऑन ग्रिड इन्वर्टर, तो ऑन ग्रिड इन्वर्टर को चलने के लिए क्या चाहिए, एक रेफरेंस वोल्टेज चाहिए और फ्रिक्वेंसी चाहिए। अगर हम इस इन्वर्टर को फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज अवेलेबल करवा दें तो बिल्कुल सही बात है कि हमारा ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो है वो क्या करेगा, चलना शुरू हो जाएगा। अब एक यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब ऑन ग्रिड इन्वर्टर चलता है ना तो क्या होता है कि कोई कंट्रोल नहीं है, जो भी सन का इरेडिएशन की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके प्लांट से जनरेशन होगा ना, सोलर का जो ऑन ग्रिड इन्वर्टर है वो क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग जनरेट करके आपको डिलीवर कर देगा। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, देखिए टेक्निकल चीजें हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने बात की कि ये 30 किलोवाट का सिस्टम मेरा ऑन ग्रिड इन्वर्टर था, 30 किलोवाट का एक सिस्टम लगाया और ये क्या करेगा, सनलाइट आ गया। अभी मैं मान लेता हूँ कि इरेडिएशन की वैल्यू काफी अच्छी है और एक 30 किलोवाट का प्लांट 30 किलोवाट जनरेट कर रहा है। दिस इज जस्ट फॉर अजम्पशन, आप लोग उस पर मत जाना कि 30 किलोवाट नहीं करेगा ये वो, मैं इजी फॉर द कैलकुलेशन लेके चल रहा हूँ कि एक 30 किलोवाट के सिस्टम से क्या होगा, एक 30 किलोवाट मेरा एसी साइड में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होना शुरू हो गया। अब यहाँ पे दो चैलेंजेस हैं, देखिए जब ये सन होगा, इरेडिएशन की वैल्यू अच्छी होगी तो क्या होगा, मेरा जो सोलर इन्वर्टर है वो क्या करेगा, जनरेशन शुरू कर देगा और जनरेशन आपको 30 किलोवाट मिल जाएगा, ये चला जाएगा आपके लोड में। दिस इज माई लोड पैनल। अब लोड में क्या होता है, देखिए लोड जो चल रहा है, अब हो सकता है लोड, देखिए लोड को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, किसी भी आप इंडस्ट्री के अंदर अगर हैं तो आप लोड को कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं बोलोगे कि सोलर 30 बनाएगा किलोवाट तो मैं भी 30 किलोवाट लोड चलाऊंगा, ऐसा थोड़ी होता है, बेवकूफी वाली बात है। सो कहने का मतलब ये कि जो लोड होता है वो आपके यूज के ऊपर डिपेंड करता है, उस इंडस्ट्री के यूज के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे लोड ज्यादा भी चल सकता है, कभी कभी ऐसा होता है कि लोड कम भी चलेगा, तो जैसे रिक्वायरमेंट होगी इंडस्ट्री की चलेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखिए प्रॉब्लम ये है कि जब ये 30 किलोवाट जनरेट कर रहा होगा, उस इंस्टेंट पे अगर 30 किलोवाट का लोड नहीं होगा तो एक्सेस एनर्जी कहाँ जाएगी, ग्रिड में चली जाएगी। तो ये तो सिंपल हो गया ऑन ग्रिड सिस्टम, ऑन ग्रिड सिस्टम में कोई टेंशन ही नहीं है, एक्स्ट्रा एनर्जी जनरेट होगी तो ग्रिड में चली जाएगी, एक्स्ट्रा नहीं होगी तो ग्रिड सपोर्ट करके आपको लोड को चला देगा। अब यहाँ पे देखिए क्या बात होगी कि हमारे पास क्या है, ग्रिड की अवेलेबिलिटी नहीं है, विदाउट ग्रिड। अब मुझे ग्रिड के बिना चलाना है। अब चैलेंज, दो तरीके का चैलेंज आ गया कि अब जो एक्सेस एनर्जी जो सोलर से जनरेट होगी उसको कहाँ ले जाएंगे, मतलब वो एक्सेस एनर्जी लोड तो यूज ही नहीं करेगा, अब वो एक्सेस एनर्जी जो पहले के केस में ग्रिड में जा रही थी अब कहाँ जाएगी। पहला क्वेश्चन ये आ गया कि एक्सेस एनर्जी हम कहाँ ले जाएंगे, पहला क्वेश्चन आ गया। नाउ द सेकंड पॉइंट इज कि अगर हमारे को एक्स्ट्रा डिमांड की आ गया, कहने का मतलब सोलर जनरेट नहीं कर पा रहा है बट डिमांड मेरे पास ज्यादा है, मुझे और चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, तो उस केस में क्या होगा, दो पॉइंट है, इन दोनों को अगर सॉल्व कर दिया जाए विदाउट ग्रिड तो क्या होगा, एक ऑन ग्रिड सिस्टम बिना ग्रिड के भी चलाया जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए दोनों को मैं दिखाता हूँ कि पॉइंट नंबर वन जो मैंने आपको बताया था वो ये था कि जो भी एक्सेस एनर्जी होगी उसको कैसे मेंटेन करेंगे। तो एक्सेस एनर्जी को कैसे मेंटेन करा जा सकता है सोलर में, विद द हेल्प ऑफ जीरो एक्सपोर्ट। जीरो एक्सपोर्ट में हम क्या करते हैं, जिस भी स्टेट के अंदर अगर आपको नेट मीटरिंग अलाउड नहीं है, यानी कि आप ग्रिड को फीड नहीं कर सकते हैं,
आप क्या करते हो, एक जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस लगाते हो और अपने इन्वर्टर को बताते हो कि मेरा लोड जो इस पर्टिकुलर टाइम पे कितना है और सोलर से मुझे कितना जनरेट करना है। यानी कि अगर मेरा जो पहला वाला प्रॉब्लम था कि अगर एक्स्ट्रा जनरेट हो सकता है मेरे सोलर प्लांट से तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो उसको हम कंट्रोल करेंगे जीरो एक्सपोर्ट से। तो पहली प्रॉब्लम तो खत्म हो जाती है कि जब मेरे पास ग्रिड नहीं है, हम एक्सेस एनर्जी ग्रिड को नहीं दे सकते, इट मींस हम एक्सेस एनर्जी नहीं बनाएंगे। तो क्या होगा, हम जीरो एक्सपोर्ट करेंगे, जीरो एक्सपोर्ट से क्या कर देंगे, कंट्रोल कर देंगे अपने सोलर का जनरेशन विद रिस्पेक्ट टू माई लोड। ये तो पहला पॉइंट जो है वो सॉल्व हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर मेरा लोड ज्यादा है तो क्या होगा, अब ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर अगर नहीं सप्लाई कर पा रहा है, मेरा सोलर उतना लोड नहीं सप्लाई कर पा रहा है, तो जो पहले मैं ग्रिड का सपोर्ट लेके अपने ऑन ग्रिड सिस्टम में जो भी लोड चल रहा है, ज्यादा लोड अगर चल रहा है तो उसको सपोर्ट कर देता था आपका ग्रिड, अब यहाँ पे ग्रिड नहीं है तो उसको कैसे करेंगे, वो भी चीज है। तो अब यहाँ पे उसको कंट्रोल करने के लिए मैंने देखिए क्या लगाया हुआ है, मैंने एक ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाया हुआ है, सोलर का एक ऑफ ग्रिड सिस्टम। अब यहाँ पे दो चीजें आती है कि इस ऑन ग्रिड सिस्टम को चलाने के लिए कितने किलोवाट मेरे को ऑफ ग्रिड लगाना पड़ेगा। देखिए ऑफ ग्रिड लगाने का मेरा पर्पस क्या था, कि मुझे ऑफ ग्रिड से एक वोल्टेज और एक फ्रीक्वेंसी मिल सकता है जो कि मेरे एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर को चलाने के लिए रिक्वायरमेंट है। मेरे ऑन ग्रिड इन्वर्टर को ऑन करने के लिए मुझे एक वोल्टेज और एक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चाहिए, जिसके रेफरेंस के बेसिस पे मेरा क्या होगा, एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो है वो चलेगा। अब ये जनरेट करने के लिए मैंने क्या कर दिया, एक ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा दिया। ऑफ ग्रिड सिस्टम में क्या होगा कि सोलर जैसे ही सन आएगा, सन से इरेडिएशन आएगा, ये क्या करेगा, डीसी जो है वो इन्वर्टर को जाएगा, इन्वर्टर क्या करेगा बैटरी को भी चार्ज करेगा और उसके बाद ये क्या कर देगा, डीसी टू एसी कन्वर्ट करके मुझे प्रोवाइड कर देगा। अब यहां पे क्या आ गया, ये एसी सप्लाई आ गया। इस एसी सप्लाई में दो चीजें हैं, वोल्टेज भी है और फ्रीक्वेंसी भी है। सेम चीज इसी लाइन पे क्या है, मेरा इस इन्वर्टर का पॉइंट भी कनेक्टेड है, तो इस इन्वर्टर में भी मेरा क्या चला गया, वोल्टेज चला गया और फ्रीक्वेंसी चला गया, और इस वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का रेफरेंस लेके मेरा इन्वर्टर क्या हो गया, अब ऑन हो गया। अब यहाँ पे जो पहली कंडीशन थी कि अब जैसे ये ऑन हो गया, अब अगर एक्स्ट्रा जनरेट हो रहा होगा तो क्या होगा, ग्रिड को जाना, मतलब अभी के केस में ग्रिड क्या है, मेरा ये ऑफ ग्रिड सिस्टम जो है वो एज ए ग्रिड काम कर रहा है। ऑफ ग्रिड सिस्टम एज ए ग्रिड जब काम कर रहा है तो होगा क्या कि जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो ग्रिड को चली जाएगी, इट मींस कि इस ऑफ ग्रिड सिस्टम के अंदर चला जाएगा। अब मुझे इसको रोकना है, इसको कैसे रोक सकते हैं, इसको हम लगाएंगे जीरो एक्सपोर्ट सिस्टम लगाएंगे, यहाँ पे जीरो एक्सपोर्ट लगाएंगे कि मेरा कभी भी ग्रिड को ना जाए, ग्रिड मेरा ऑफ ग्रिड सिस्टम है, यानी कि ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो भी जनरेट हो रही है वो कभी भी मेरे इस ऑफ ग्रिड सिस्टम में ना जाए, इसके लिए हम जीरो एक्सपोर्ट लगाएंगे। तो जीरो एक्सपोर्ट में क्या होता है कि एक मीटर लगता है जीरो एक्सपोर्ट का, और एक लोड पे सीटी लगता है आपका और सोलर के प्रोडक्शन पे सीटी लगता है, जो क्या करेगा लोड को सेंस करेगा और इन्वर्टर का जो प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल कर देगा। कि आपको भैया फॉर एन एग्जांपल कि किसी इंस्टेंट में 10 किलोवाट की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या बोलेगा कि 10 किलोवाट चाहिए मेरे को, ये क्या कर देगा अपना जनरेशन ड्रॉप करके 10 किलोवाट ही देगा। इससे क्या फायदा हो जाएगा कि जो मेरा लोड का एक्चुअल डिमांड है वही मेरा सोलर जनरेट कर रहा है, एक्सेस कर ही नहीं रहा, जो कि ग्रिड को जाएगा, और ग्रिड हमारे केस में ऑफ ग्रिड इन्वर्टर, यानी कि कभी भी ऐसा कंडीशन नहीं आएगा कि मेरे ऑफ ग्रिड इन्वर्टर को बैकफीड होगा। तो पहली प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली जीरो एक्सपोर्ट लगा के। अब देखिए जीरो एक्सपोर्ट के भी अपने बहुत प्रॉब्लम है। जीरो एक्सपोर्ट का प्रॉब्लम क्या है कि जो इंडस्ट्री होती है, कोई भी इंडस्ट्री है, अगर वहां पे सोलर लगा हुआ है, इंडस्ट्री हो, घर हो, कुछ भी हो, लोड क्या होता है, अनबैलेंस होता है। मैंने पहले भी बता दिया कि लोड, कई बार ही बताया और आज फिर से बता रहा हूं कि लोड को कंट्रोल करना, लोड को बैलेंस करना बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, नहीं हो पाता इंडस्ट्रीज में। आप हर एक टाइम पे, हर एक फेज पे लोड बैलेंस नहीं कर सकते हो। अब यहाँ पे चैलेंज देखिए क्या आता है। अब मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया कि लोड सोलर से मेरा कितना जनरेट हो रहा है, सोलर से जनरेट होने के साथ साथ जीरो एक्सपोर्ट अगर हम कर रहे हैं तो उस केस में मेरे को सोलर से जनरेशन कितना मिल पा रहा है, और मेरा लोड ऑफ ग्रिड के ऊपर कितना जा रहा है, ये जो सिस्टम लगा हुआ है इस पे भी लोड आ रहा है, क्योंकि इसका भी कनेक्शन जो है वो लोड पैनल पे है और इस ऑन ग्रिड सिस्टम का भी कनेक्शन लोड पैनल पे है। यानी कि लोड पैनल को दो चीजें फीड कर रही हैं, एक मेरा ऑन ग्रिड सिस्टम भी फीड कर रहा है और एक मेरा ऑफ ग्रिड सिस्टम भी फीड कर रहा है, दोनों ही फीड कर रहे हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात देखिए ये है कि जैसे मैंने ये थ्री फेज लोड पैनल है, मैंने एक लोड की कैलकुलेशन कर ली कि मेरे इस इंडस्ट्री के अंदर आर फेज पे 10 किलोवाट का लोड चल रहा है, उस पर्टिकुलर किसी एक टाइम फ्रेम को पकड़ लेते हैं कि एक इंस्टेंट पे आर फेज में 10 किलोवाट का लोड चल रहा है, वाई पे 12 किलोवाट का लोड चल रहा है और बी पे 9 किलोवाट का लोड चल रहा है। अब देखिए मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझिएगा कि जो जीरो एक्सपोर्ट होता है, जीरो एक्सपोर्ट की एक प्रॉब्लम है, जीरो एक्सपोर्ट की ये प्रॉब्लम है कि देखिए जीरो एक्सपोर्ट दो तरीके से काम कर सकता है, दो फीचर्स आप इसमें इनेबल कर सकते हो।
कि जो भी आपका लोड है इसके अकॉर्डिंग वो आपको अब जनरेशन को कंट्रोल करेगा, इन्वर्टर के जनरेशन को। इसमें दो ऑप्शन है कि एक या तो आप मिनिमम को काउंट कर लो या आप मैक्सिमम को काउंट कर लो, यानी कि जो सोलर से होने वाली जनरेशन है, सोलर ऑनग्रिड सिस्टम में क्या होता है कि जो भी सोलर ऑनग्रिड सिस्टम का जो आउटपुट होता है वो तीनों फेजेस में जो है वो इक्वल होता है। यानी कि अगर एक 30 किलोवाट का सिस्टम है तो आर वाई बी तीनों में क्या होगा, 10-10 किलोवाट आपको आउटपुट मिल रहा होगा। ये तो इसकी इन्वर्टर के फीचर्स हैं कि इन्वर्टर में क्या होगा, तीनों फेजेस में इक्वली पावर डिवाइड होगा। अब ये पावर इक्वली डिवाइडेड है यानी कि जो इसका आउटपुट हमें मिलेगा, यानी कि जो मुझे लोड चलाना है वो सोलर इन्वर्टर किसी एक मोड पे हम डाल सकते हैं, आइदर मिनिमम पे डाल दें। मिनिमम पे डालने का मतलब है कि जिस भी फेज में सबसे कम लोड होगा वो उसको रेफरेंस लेगा और इन्वर्टर को बोलेगा कि आपको हर एक फेज में मिनिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से जनरेशन करना है। यानी कि ये मेरा जो 30 किलोवाट का सिस्टम था वो अब क्या करेगा, 9 किलोवाट इज द मिनिमम, तो अब ये 27 किलोवाट से ऊपर जनरेट नहीं करेगा क्योंकि अब यहाँ पे जीरो एक्सपोर्ट इनेबल करा है हमने ताकि मेरे ऑफ ग्रिड सिस्टम को फीड ना कर दे। उसके चक्कर में क्या होगा कि 30 किलोवाट का जो हमें जनरेशन यहाँ पे मिल सकता था हमें इस इन्वर्टर से, बट वो रह गया केवल 27 किलोवाट का। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट में ये होता है कि देखिए जो भी इसका इक्वली पावर अगर आप डिवाइड कर दो 10 किलोवाट है, यानी कि ये कभी भी 10 किलोवाट से ज्यादा जनरेट नहीं कर सकता, तो या तो आप 10 किलोवाट पर डाल सकते हो। लेकिन 10 किलोवाट पर डालने में एक प्रॉब्लम है, अगर हम इसको 10 किलोवाट के हिसाब से सेट कर देंगे मैक्सिमम वैल्यू पे तो क्या होगा, इस वाले बी वाले फेज में क्या होगा, 9 किलोवाट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम क्या करेंगे 10 किलोवाट देंगे। जैसे ही हम 10 किलोवाट देंगे क्या होगा, 1 किलोवाट एक्सपोर्ट होगा और वो एक्सपोर्ट होकर किसमें चला जाएगा, ऑफ ग्रिड सिस्टम में चला जाएगा, ये सिस्टम हो जाएगा डैमेज। यानी कि जब भी हम जीरो एक्सपोर्ट करते हैं, जीरो एक्सपोर्ट में हम मिनिमम काउंट वैल्यू को पकड़ेंगे, जो भी मिनिमम लोड चल रहा होगा किसी भी फेज पे उसको रेफरेंस पकड़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपने इन्वर्टर से जनरेट करेंगे। तो अब एक चीज तो समझ में आ गई कि देखिए सोलर जनरेशन का यहाँ पे जो पॉइंट मैंने लिखा हुआ है उसका सिंपल ये मतलब है कि सोलर से कितना जनरेट होगा। अब ये 30 किलोवाट का सिस्टम था, यानी कि आइडियल केस में सोलर क्या करेगा, 10-10 किलोवाट देगा आपको आर वाई वी तीनों फेजेस पे। लेकिन चूंकि आपने जीरो एक्सपोर्ट करा हुआ है, आपका जो एक्सेस एनर्जी है वो आपके इस ऑफ ग्रिड सिस्टम को फीड नहीं होना चाहिए, इस केस में क्या होगा कि जीरो एक्सपोर्ट जो है वो लोअर वाले को काउंट करेगा 9 किलोवाट, यानी कि आपका इन्वर्टर से जो जनरेशन होने जा रहा है वो हर एक फेज में 9 किलोवाट ही होगा। तो 9 किलोवाट तो ये हमारा सोलर से जनरेशन आया क्योंकि यहाँ पे हमने जीरो एक्सपोर्ट इनेबल करा हुआ है। अब यहाँ पे बात आती है कि देखिए मेरा डिमांड तो यही है, लोड तो मेरा चेंज नहीं होगा, लोड तो वही रहेगा। अब आर फेज पे मेरा कितना डिमांड था 10 किलोवाट का, सोलर का बिकॉज ऑफ दिस जीरो एक्सपोर्ट अब कितना सोलर दे पा रहा है उस आर फेज में, 9 किलोवाट। यहाँ पे 1 किलोवाट कम पड़ रहा है, वो 1 किलोवाट का डिमांड हम कहाँ से फुलफिल कर सकते हैं, दिस ऑफ ग्रिड इन्वर्टर से फुलफिल कर सकते हैं। तो मेरा ऑफ ग्रिड इन्वर्टर क्या करेगा, आर फेज में 1 किलोवाट देगा हमें पावर जस्ट टू फुलफिल द डिमांड, जो भी उस इंडस्ट्री की डिमांड है ना उसको फुलफिल करने के लिए। अब मेरा ऑफ ग्रिड सिस्टम यहाँ पे रोल में आ गया, ऑफ ग्रिड सिस्टम भी हमारे उस पर्टिकुलर लोड को चलाने के लिए सपोर्ट करेगा। जैसे पहले ग्रिड कर रहा था सपोर्ट, अब वही काम कौन कर रहा है, मेरा ऑफ ग्रिड इन्वर्टर काम कर रहा है। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, कि सेकंड पॉइंट में मेरे को कितना 12 किलोवाट चल रहा था, लोड 12 किलोवाट था, सोलर मेरा 9 किलोवाट जनरेट कर रहा था, यानी कि 3 किलोवाट अभी यहाँ पे कम पड़ रहा था, वो 3 किलोवाट कौन देगा, मेरा ऑफ ग्रिड सिस्टम 3 किलोवाट उस पर्टिकुलर फेज बाई फेज में देगा, सो दैट कि मेरे बाई फेज का जो भी डिमांड था उसको हम फुलफिल कर पाए। नाउ कमिंग टू दिस बी वाला पार्ट, तो बी वाले पार्ट में क्या था कि लोड हमें कितना था, 9 किलोवाट की रिक्वायरमेंट थी, सोलर भी मेरा 9 किलोवाट जनरेट कर रहा था, यानी कि इस पर्टिकुलर फेज पे, बी वाले फेज पे मुझे ऑफ ग्रिड सिस्टम से कोई भी पावर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे 0 वाट पावर की रिक्वायरमेंट है ऑफ ग्रिड सिस्टम से। अब यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि इस पर्टिकुलर लोड को चलाने के लिए, दोनों चीजों को रिलेट करिए, इस पर्टिकुलर लोड को चलाने के लिए मुझे सोलर से जो जनरेशन था प्लस मेरे को ऑफ ग्रिड सिस्टम का भी जनरेशन लगा, क्योंकि इन दोनों के सपोर्ट से ही मैं ये लोड चला पाया। बिल्कुल सेम है, जब भी हम ऑन ग्रिड सिस्टम की बात करते हैं तो ऑन ग्रिड सिस्टम को चलाने के लिए क्या होता है कि सोलर का जनरेशन भी आपको सपोर्ट करता है और आपका ग्रिड भी आपको सपोर्ट करता है। यहां भी सेम चीज हो गया, ग्रिड जो हो गया वो हमारा ऑफ ग्रिड सिस्टम हो गया और जो मेरा सोलर है वो तो सोलर का जनरेशन है ही। अब यहाँ पे एक क्रिटिकल चीज है, थोड़ा सा इसको और देखिए कि जो ग्रिड होता है, ग्रिड तो इनफाइनाइट सोर्स है। इनफाइनाइट सोर्स का मतलब होता है कि आप कितना भी अनबैलेंसिंग कर दीजिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जितना चाहिए आपको इलेक्ट्रिसिटी आप ले लो, ग्रिड से आर फेज से आपको ज्यादा चाहिए आप ले लीजिए, वाई से नहीं चाहिए आप मत लीजिए, ग्रिड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे क्या है कि जो भी आपका ऑफ ग्रिड सिस्टम होगा इसको डिजाइन करना पड़ेगा आपको
क्योंकि आपको ग्रिड ग्रिड इज ए इनफाइनाइट सोर्स, ग्रिड में कोई इतनी ज्यादा समस्या नहीं है। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, एक ऑन ग्रिड सिस्टम को लगाने के लिए एक ऑफ ग्रिड सिस्टम आपको डिजाइन करना पड़ेगा, और ये कैसे डिजाइन करना है ये आपको देखना है कि आपका अनबैलेंसिंग कितना है उस पर्टिकुलर साइट पे, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर अनबैलेंसिंग कितना है। उस अनबैलेंसिंग से हमें ये पता चल पाएगा कि मुझे कितना बड़ा ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाऊं कि जब अनबैलेंसिंग हो और जब जीरो एक्सपोर्ट उस टाइम पे जब इनेबल है मेरा, तो अनबैलेंसिंग की वजह से जो मुझे डिमांड आएगा, जो मेरा सोलर फुलफिल नहीं कर पाएगा, उसको मुझे ऑफ ग्रिड से फीड करना पड़ेगा। आई थिंक समझ में आया होगा। फिर से बताता हूं कि जो मेरा ये ऑफ ग्रिड सिस्टम है ये क्या करेगा, जब भी लोड अनबैलेंस होगा, किसी फेज में ज्यादा किसी में कम होगा, तो क्या होगा, जो सोलर है वो तो इक्वल दे सकता है, हर एक फेज में इक्वल देगा, लेकिन जो कम है और किसी में ज्यादा डिमांड है उसको फुलफिल कौन कर सकता है, उसको एक ऑफ ग्रिड सिस्टम फुलफिल कर सकता है, उसको ग्रिड फुलफिल कर सकता है। ग्रिड नहीं है हमारे पास, ये ऑफ ग्रिड सिस्टम ही हमारे को एज ए ग्रिड काम करेगा, लेकिन ये उस हिसाब से हमें ये डिजाइन करना पड़ेगा कि जो भी मेरे सिस्टम के अंदर अनबैलेंसिंग है उसके अकॉर्डिंग हमें ये सिस्टम डिजाइन करूंगा, सो दैट कि वर्स्ट केस में जब बिल्कुल अनबैलेंसिंग हमारे सिस्टम के अंदर हो तब भी मेरे किसी भी ऑफ ग्रिड के फेज पे ओवरलोडिंग ना हो और ये मेरा सिस्टम जो है वो ट्रिप ना करे, आराम से मेरे इस लोड को चला दे। सो इस तरीके से आप किसी भी ऑन ग्रिड सिस्टम को बिना ग्रिड के हेल्प से चला सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और ये जो भी डिस्कशन अभी मैंने आपके साथ किया है ये R&D में भी है, इवन मैं खुद इसको अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। सो बहुत जल्दी मैं वो प्रोजेक्ट भी आपको दिखाऊंगा कि जहाँ पे लाइव मैं ये सारी चीजें करूंगा, और बहुत सारी कंपनीज के साथ डिस्कशन हुआ है और हमने बहुत सारे सिमुलेशंस भी रन किए हैं। सो आई थिंक कि हम आराम से ये कर सकते हैं, और लॉजिक वाइज टेक्निकली दिस इज प्रूवन कि आराम से हम इसको कर सकते हैं। सो होप दोस्तों कि आपको मेरा ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और ऐसे ही टेक्निकल रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज शेयर विद योर कलीग्स ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।